दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नगर पुलिस और पीएसी के पद पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत निकली है, जो कि स्पोर्ट कोटा के लिए है और यह उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है, जिसका ग्रेड बाउंसर से 20,200 रुपये और ग्रेड पे 2,000 रुपये नए वेतनमान के साथ फिक्स है और इसकी पीएसी 174 कुल 546 पदों के लिए भर्ती की गई है, जिसमें आपको यह स्पोर्ट के जो गेम होते हैं उनके बारे में भी यहाँ जिक्र किया गया है, जैसे वाटर स्पोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्रॉस कार्ड, हॉकी, ये विभिन्न प्रकार की हैं। उसी के साथ साथ उसमें पोस्टर भी दी गई हैं और इसमें कुछ कुशल इसमें आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14/12/23 से आवेदन की लास्ट डेट 1/1/2024 तक है, जिसकी शुल्क जमा करने की 1/1/2024 तक लास्ट डेट है और आवेदन शुल्क 400 रुपये है, जो आप ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा। अगर आप बैंक से करते हो तो बैंक का चालान कोड उसमें दिया हुआ है, आप बैंक का चालान कोड से ही उसमें जो प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार ही भरें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो जिम्मेदारी है जो आपकी ही रहेगी और केवल एक बार में एक ही आवेदन करना है अभ्यर्थी को। अगर एक से अधिक आवेदन आप करते हो तो आपका निरस्त हो जाएगा। इसमें राष्ट्रीयता, आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ऊपर 12वीं योग्यता होना अनिवार्य है और वह फॉर्म की भरने की तिथि तक आपको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप पास होते हो, अप्रैल में डालते हो, तो आप अपात्र माने जाओगे और उसके बाद आवेदन का फॉर्म नहीं डल पाएगा। उसके बाद उसमें कुछ 5 वर्ष की न्यूनतम शैक्षणिकता पूर्ण कर लेना, ये सब नोटिफिकेशन में दिया हूँ, आपको पीडीएफ अटैच कर दूँगा, उसमें सब मिलेगा आपको। ये कुछ इसमें और भी जोड़े गए हैं पद, इसमें आप अच्छे से देखें। आयु गणना 1/7/23 से 18 वर्ष होना चाहिए, 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 22/7/2001 के पहले होना चाहिए। ये बहुत सारी इसमें बातें इसमें दी गई हैं। चयन प्रमाण पत्र है, वैवाहिक स्थिति है, अगर हाँ तो यस करें, उसमें कुछ पति या पत्नी की जानकारी भी पूछ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी है, उसमें कुछ और भी इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, उसको भी आप देख लें अच्छे से। विज्ञापन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी में ना फॉर्म भरें, पहले अच्छी तरह समझ लें। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया, यह चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए है। इसके बाद और भी है, शारीरिक मानक हैं, ऊँचाइयाँ हैं, इसमें आपको 50-50 अंकों के 2 होंगे लेकिन पूर्णांक 80 का होगा, 20 नंबर आपके जो आपके पास प्रमाण पत्र है उसके आपको दिए जाएंगे प्रमाण पत्र और 80 का आपका प्रशिक्षण होगा, खेल प्रशिक्षण होता है जो उसका होगा, और 20 आपके मूल्यांकन का दिए जाएंगे। जो आपके पास प्रमाण पत्र है उसका वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद ही आपका वह मान होगा। उसके बाद ही आपके कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे 10वीं की मार्कशीट हुआ, यहाँ पे जाति, निवास, EWS, आधार कार्ड की छायाप्रति, ये सब नॉर्मली कागज़ हैं, सबके पास होते हैं। UPSC की वेबसाइट से भरना है, ये आपका पोर्टल दिया हुआ है, यहाँ पे नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट दोनों आप पढ़ सकते हैं और नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है, वहाँ पे आप उसको बात कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। फ़ोटो और साइन का भी उसमें उल्लेख किया है कि इतने बाय इतने साइज का फ़ोटो होना चाहिए और उसमें चेहरा स्पष्ट होना चाहिए, 6 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, टेढ़े वेढ़े नहीं होने चाहिए, कैमरे के बाद सावधान पोजिशन में आपकी फ़ोटो होना चाहिए। विज्ञप्ति को अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और यहाँ कुछ कोड वगैरह भी दिए गए हैं कि किस कोड पे क्या होना है, तो ये भी आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि जो खेल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनमें कई तरह की जोखिम भी होते हैं, तो यह सब फिजिकल पोजीशन है वो भी आप देख सकते हैं कि किसने में कितना होना है। और लास्ट टाइम में ये एक चालान कोड आ रहा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म में, जो ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं उनको लिए इस फॉर्म को लगता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, एंड कमेंट करें कैसा लगा वीडियो आपको।